दोस्तों मैं निकल रहा हूँ मणिपुर विजिट के लिए। अभी मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, जिला अलीपुर द्वार से यहाँ मैं राजधानी लूंगा। राजधानी से दीमापुर तक जाऊंगा। दीमापुर है नागालैंड में रेलवे स्टेशन एकमात्र जहाँ से राजधानी होके गुजरती है। तो दीमापुर से उतर के हम लोग फिर बाय रोड जाएंगे, वहाँ से बस लेना पड़ेगा। तो पहली बार जा रहा हूँ, मुझे भी अनुभव नहीं है कैसे कैसे रास्ता है और क्या क्या व्हीकल से वहाँ जाना पड़ेगा। उस कोहिमा फिर हम लोग, ये आपका नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उधर से बस जाएगी बीच से, फिर हम लोग मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाएंगे। इम्फाल से आगे 40 किलोमीटर बर्मा बॉर्डर पड़ता है म्यांमार का, वहां तक जाएंगे तो वो भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। बने रहिए हमारे साथ टूर में, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कहाँ से होटल लेने हैं, कहाँ से बस लेनी है, ट्रेन कैसे मिलेगी और कितना खर्चा आएगा, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं मणिपुर। वहां मुझको नहीं ले जा रहे यार, और एक दिनेश कांस्टेबल साहब, ये कौन सी गाड़ी में जा रहे हम देख ले, ये आगे ये प्राइड ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, ये बोल मेरे एजेंट को लगन चल क्या हुआ, हेलो चल, ये लेके जाएगी हमको डिब्रूगढ़ तक, मिसिंग रिपोर्ट से हमको करा देंगे। अरे B1 है इधर, तो ये तो आगे 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 हम लोग जाना है, A1 में जाना था। और शाम के 8 बज चुके हैं, हम लोग गुवाहाटी से रवाना दे हो गए। ये देख रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, बहुत ही साफ और स्वच्छ। नॉर्थ ईस्ट की पूरी मतलब राजधानी बोले तो 7 स्टेट की वो गुवाहाटी है। सारी आर्थिक गतिविधियाँ इसी शहर से प्रारंभ होती हैं, यहीं से सब कुछ माल सप्लाई होता है, राशन पानी जो भी है। तो गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राजधानी है, और उसी स्टेशन से हम लोग अभी राजधानी से गुजर रहे हैं। रात को 12:30 बजे हम लोग दीमापुर पहुँचेंगे। ये देखिए लामडिंग स्टेशन में रात को 11 बजे कितनी चहल पहल है, और कोई मेला लगा हुआ है, यहाँ फेस्टिवल चल रहा है। ये उसकी डेकोरेशन देख रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है पूरा शहर जगा हुआ है अभी, और यहाँ स्टार लगी हुई है। रात के 12:10 हो चुके हैं, हम लोग पहुंच गए दीमापुर रेलवे स्टेशन में। यहाँ देख रहे दीमापुर, ये नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। अभी हम जा रहे हैं नाइट स्टे करने के लिए, और यहाँ से सुबह निकलेंगे हम लोग कोहिमा मणिपुर के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, तो अभी हम लोग दीमापुर रेलवे स्टेशन से रवाना दे रहे हैं आगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल के लिए। यहाँ से हम लोगों को बाय रोड जाना पड़ेगा, 10 घंटे का सफ़र है, 200 किलोमीटर है। ये पीछे दीमापुर रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी ले लिया है तीनों ने, और ये देख रहे हैं आप दीमापुर, हमारी गाड़ी बुकिंग हो चुकी है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है, आगे ड्राइवर है, हमारा बैग लेके जा रहे हैं, ये गाड़ी है, ये मणिपुर नंबर की गाड़ी है, और इसमें हम लोगों का 8 घंटे का सफ़र होने वाला है। दिनेश ले रहा है रास्ते के लिए खाने की सामग्री, चढ़ाई है इसलिए हम लोग ऑयली कोई चीज़ नहीं खाएंगे, कुछ जूस ले लिए हैं, ग्रेप्स और ऑरेंज एप्पल, बिस्किट पानी की बोतल दिए। अपना दीमापुर बस स्टैंड, लोग जा रहे हैं इम्फाल की तरफ।
अभी कोहिमा जाते हुए रास्ते में हम लोगों का लंच का टाइम हो गया, 10:30 बज चुके हैं सुबह। देखिए एक होटल में बैठे हैं जिसका लेवल इस पहाड़ के बराबर है, और अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया खाने का। लगभग हमको 2 घंटे हो गए चले हुए दीमापुर से। हम लोग अभी अभी खाना खाया हम लोग नागालैंड में, और ये देख ले कितने पाल रखे हैं डॉगी, कम से कम 10 अंदर। अगली बार आए तो देख लेना तुम, 15 कुत्ते हैं और उधर बैठे हुए हैं। ये आप सामने देख रहे हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा, पहाड़ पे बसी हुई है पूरी। आप नागालैंड में एंटर हो गए कोहिमा में, वेलकम द्वार। और ये पहाड़ों की रानी छोटी है, तो है टेंपल। दिन के 12 बजे हैं अभी। बहुत लंबा जाम है, लगभग 1 घंटा हो गया कोहिमा में, लेकिन अभी हम लोग इस जाम वाली रोड को छोड़ देंगे और यहाँ चले जाएंगे। ये देख रहे हैं आप कोहिमा शहर का बीचों बीच ट्रैफिक पुलिस का चौकी। अभी ये हम लोग इधर मणिपुर के लिए जाम देखे आप, लेकिन कोई और ये हमको मिल गया घूमने का सिग्नल। ट्रैफिक पुलिस कोहिमा ये हम लोग यहाँ मणिपुर में एंटर हो गए। मैं मणिपुर में खड़ा हूँ, उधर नागालैंड है जो ट्रक खड़ा वो, और ये पुलिस चेक पोस्ट है। अगर आप मणिपुर में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आईडी दिखानी पड़ेगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है जाने में। किंतु अगर आप एक घूमने के लिए आ रहे हैं तो कोई मणिपुर के होटल या मणिपुर के किसी व्यक्ति का रेफरेंस होना चाहिए कि आपको कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। और अगर आप टूरिस्ट है तो यहाँ से आपको परमिशन बनवानी पड़ेगी। ये पुलिस की चेक पोस्ट है यहाँ पे। और अभी हम लोगों का यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, 2-3 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। 1:30 बज चुके हैं, हम लोग शायद 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। और ये दिनेश और युंगरी खरीद रहे हैं कुछ रास्ते के लिए।
ये दुकान है यहाँ पे। हाँ ये सही लिया तो काम की चीज अमूल लस्सी। ये मणिपुरी स्टार्ट हो गया, प्रारंभ होते हैं। यहाँ चेक पोस्ट में एंट्री करानी पड़ती है, पास लेना पड़ता है, आईडी दिखा के परमिट बनवाना पड़ता है, इंटरलाइन परमिट। इनर लाइन परमिट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है, प्लीज डिपॉजिट द ILP इंटर लाइन परमिट एट द काउंटर बिफोर एग्जिटिंग द स्टेट। स्टेट छोड़ने से पहले फिर आपको यहाँ जमा कराना पड़ेगा जो परमिट आप बना रहे हो। ये प्रक्रिया जानना ज़रूरी है। और ऐसी बसें चलती है पहाड़ में मणिपुर के लिए दीमापुर से। हम जब जिस भी गाड़ी में देख रहे हैं ना, ये वाली सब्जी आई है मणिपुर में। आप बताओ क्या चीज है। ये छोटी छोटी फ्रूट्स की दुकान, इतनी छोटी संतरा। इसके टांग नींबू बड़ा होता है इसके तो। युंगरी और दिनेश खरीद रहे हैं ऑरेंज 150 रुपए किलो, और क्या है मैंगो 200 रुपए किलो। दिनेश ये फली की रेट पहुंच क्या है, भाव है? क्या रेट की है ये? भेज दिया है क्या ये आइटम? तगड़ा है यार ये। ये हमारा साथी सिपाही युंगरी, ये मणिपुर से ही है, इसको साथ लेके आए हम। हाँ 8 पीस का 100। बाप रे, 8 ये हो गया इसका 100। ले कर बात, हम तो इसको ऐसे समझ रहे थे। बहुत साफ सुथरा शहर है यार, अभी तो एंट्री हुए हम। ये घूम रहे हैं आप मेरे साथ मणिपुर की राजधानी इम्फाल। शाम के 6 बजे हैं। बहुत ही अच्छा सिटी है, बहुत सुंदर है, और व्यवस्थाएं तो वर्ल्ड क्लास हैं। ये देखिए सिनेमा हॉल जिसमें इंग्लिश मूवी लगी हुई है, और साफ सुथरी सड़कें, कम ट्रैफिक। अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट हाउस में। सिटी बहुत सुंदर है सही में, और वेल मेंटेन। अभी तो मुझे जयपुर की याद आ रही है, ये वाली रोड देख लो। किसी भी एंगल से जयपुर से कम नहीं लग रहा, एकदम पूर्व भारत में आप। और अंतिम छोर है यहाँ से, 2 या 2.5 घंटे बाद में म्यांमार देश स्टार्ट हो जाता है, ब्रह्मा जिसको बोलते हैं हम लोग। ये हाई कोर्ट है मणिपुर का, यहाँ रेस्ट हाउस हाई कोर्ट लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं मणिपुर शहर, मणिपुर राज्य का राजधानी देख रहे हैं आप। इम्फाल शहर के बीचों बीच से गुजर रहे हैं हम लोग इस समय। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, पर्सनली सही बता रहा हूँ। हवा इतनी ठंडी, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम लोग ब्रह्मा बॉर्डर और चाइना के नज़दीकी हैं, और वहाँ पे भी एक इतनी विकसित सिटी है भारत की, ये एक देखने वाली बात है।
आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से भारत देश के बड़े महानगर से कंपेरिजन कीजिए, वो भी इतना साफ़ सुथरा स्वच्छ नहीं मिलेगा, वेल मेंटेन नहीं मिलेगा इतना जितना आप इम्फाल को देख रहे हैं। और ऑटो में बैठ के शहर घूमने का तो एक अलग ही आनंद है अपना। और ये शहर तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और मुझे गुवाहाटी से भी सुंदर शहर लग रहा है, सही बताऊँ आपको। वाह, क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, क्या साफ सफाई है। चौराहे इतने प्यारे हैं, वो देखने लायक है। ट्रैफिक पुलिस शानदार व्यवस्था और ड्यूटी निभाता हुआ उसके जवान। ये चीफ मिनिस्टर का बंगलो है यहाँ, ये पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ। ये बोस इलाका है यहाँ शहर का, चीफ मिनिस्टर बंगला से न्यू सेक्रेटरेट और डीजीपी ऑफिस है यहाँ मणिपुर पुलिस का। ये सारी सरकारी ऑफिस, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मुख्यालय। मणिपुर सेक्रेटरेट साउथ ब्लॉक। वाह, मैंने इतने जो पहाड़ी राज्य देखे हैं, सिक्किम देखा है, मेघालय देखा है, उनमें सबसे सुंदर लगा मुझे कि इतना स्पेशियस है। पहाड़ी है नहीं एक्चुअली, यहाँ ग्राउंड में है ये सब शहर पूरा इम्फाल, पहाड़ है तो साइड में और रास्ते में है। शाम को 6 बजे और इतना साफ सुथरा शहर, ट्रैफिक